नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा और आज देश की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। हमारी कोशिश होती है कि एक क्लिक में आप देश दुनिया की बड़ी खबरें जान पाएं। आज देश की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी ओबीसी सम्मेलन में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि हिंदुस्तान बीजेपी और आरएसएस का गुलाम हो गया है। जी हाँ, उनके संबोधन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी, जो उनके पूरे भाषण का सार था, वो कुछ ऐसा था कि लगातार हमलावर रहे हैं बीजेपी पर, अमित शाह पर, प्रधानमंत्री मोदी पर, और अंत में उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया और कहा कि हिंदुस्तान बीजेपी और आरएसएस का गुलाम बनता जा रहा है। अब इस भाषण में, इस संबोधन का जवाब किस तरीके से बीजेपी देगी, ये देखने वाली बात होगी। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की इफ्तार पार्टी आयोजित है तकरीबन 2 साल बाद। जी हाँ, 2 साल बाद कांग्रेस इफ्तार पार्टी करने जा रही है, लेकिन प्रणब मुखर्जी, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को निमंत्रण नहीं है। हाल ही में आरएसएस के कार्यक्रम में नागपुर पहुंचे प्रणब मुखर्जी से कांग्रेस का खेमा बेहद नाराज था। हालांकि वरिष्ठ नेताओं ने इसे सामने जाहिर नहीं किया, लेकिन अब इफ्तार पार्टी में उनको निमंत्रण ना भेजना कहीं ना कहीं उस नाराजगी पर मोहर लगाता दिख रहा है। फिलहाल राहुल गांधी की अध्यक्षता में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के ताज होटल में, और कहा यह जा रहा है कि सूत्र ये बता रहे हैं कि प्रणब मुखर्जी को यहाँ निमंत्रण नहीं भेजा गया है। देखना है इसका स्पष्टीकरण किस तरीके से कांग्रेस देती है। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ गई थी, स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ गया था, जिसकी वजह से उन्हें एम्स में भर्ती किया गया था। फिलहाल एम्स के डॉक्टर्स ने मेडिकल बुलेटिन जारी कर दिया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की हालत स्थिर बताई जा रही है। वाजपेयी जी स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी दिनों से उनकी परेशानियां बढ़ती दिख रही थी, जिस लिहाज से उन्हें आज एम्स के अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर डॉक्टर्स ने उनकी हालत को स्थिर बताया है। उनके अच्छे स्वास्थ्य की हमारी तरफ से भी शुभकामनाएं हैं, वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। खेल जगत से अगली खबर है, फ्रेंच ओपन का ये ग्रैंड स्लैम एक बार फिर राफेल नडाल ने अपने नाम किया है। जी हाँ, स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने 11वीं बार ये ग्रैंड स्लैम जीता है और इसके साथ ही रिकॉर्ड्स की उन्होंने झड़ी लगा दी है। शानदार ये मैच रहा। शुरुआत से ऐसा लग रहा था कि राफेल बहुत हावी नजर आ रहे थे ऑस्ट्रेलिया के थीएम पर, और थीएम को उन्होंने सीधे सेटों में हराते हुए ग्रैंड स्लैम का यह खिताब अपने नाम किया है 11वीं बार। शानदार मुकाबला था ये, और क्ले कोर्ट पर किंग कहे जाते हैं राफेल नडाल, और एक बार फिर उन्होंने साबित किया कि उनकी बादशाहत क्ले कोर्ट पर बरकरार है। और अब बात करेंगे फुटबॉल की। सुनील छेत्री, जी हाँ, जो शख्स 33 वर्षीय, वो शख्स जो लगातार चर्चा में है पिछले कई दिनों से, क्योंकि उन्होंने हाथ जोड़कर लोगों से विनती की थी कि हमें गालियां दीजिए लेकिन हमारे मैच देखने जरूर आइए। फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान ने एक इतिहास रच दिया है, एक रिकॉर्ड बना दिया है, और वो रिकॉर्ड उन्हें मेसी के बराबर ले आकर खड़ा करता है। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय जगत में 64 गोल करने की जो रिकॉर्ड था वो मेसी के नाम था, और अब उसकी बराबरी कर ली है सुनील छेत्री ने भारत की तरफ से। इसके साथ ही भारत ने जो एशियन कप होना है उसके लिए जो तैयारी मैच था उसे भी जीत लिया है केनिया को हराकर। एक तरीके से फुटबॉल फेडरेशन ने इस मैच का आयोजन किया था ये देखने के लिए कि भारतीय फुटबॉल टीम कितनी परिपक्व है, कितनी मजबूत है, कितनी तैयार है, और भारतीय टीम ने ये साबित किया कि वो पूरी तरह से तैयार है। जिस तरीके से सुनील छेत्री आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से फुटबॉल की टीम आगे बढ़ रही है, निश्चित ही फुटबॉल का, भारतीय फुटबॉल का जो भविष्य है वो बेहतर दिख रहा है। तो ये अब तक की 5 बड़ी खबरें जो हमने आप तक पहुंचाई। आपका आने वाला कल आज के दिन से कहीं ज़्यादा अच्छा, कहीं ज़्यादा बेहतर हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, नमस्कार।